हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th मार्कशीट करेक्शन के बारे में। यहाँ पे जो मेजोरिटी केसेस हम देखते हैं, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो कोई जॉब भी कर रहा है, तो उनके मार्कशीट में प्रॉब्लम रहती है। मेजर केसेस में जो प्रॉब्लम है, वो उनके मदर फादर के नेम में मिस्टेक होता है, जैसे कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में नाम कुछ अलग चल रहा है, और जो कि उनका 10th का मार्कशीट उसमें कुछ अलग चल रहा है। अब वो 10th का भी हो सकता है, प्लस टू का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें नेम में मिसमैच है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है उसके खुद के नेम में भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ खुद के नेम में प्रॉब्लम, बाकियों में सही है, या फिर खुद के नाम के साथ साथ दोनों पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है, या फिर खुद के नाम के साथ किसी एक पेरेंट के नेम में प्रॉब्लम है, या सिर्फ पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है, या फिर सिर्फ किसी एक पेरेंट के नेम में प्रॉब्लम है। इन सब केसेस के लिए जो यहाँ पे तरीका काम करता है वो एक ही है। चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप PSEB से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए चीजें सेम काम करेंगी। अब इसमें देखिए, मार्कशीट की जो करेक्शन या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर पासपोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, पासपोर्ट बनाने के लिए, वहां पे वेरिफिकेशन में जब अपना 10th की मार्कशीट दोगे, उसमें अगर नेम में मिसमैच है या स्पेलिंग का भी मिस्टेक है, तो वहां पे ऑब्जेक्शन लगेगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही आपको उसके लिए करेक्शन करवाना जरूरी है। अब जब आप अपने बोर्ड के पास जाते हो, बहुत सारे ऐसे लोग ही होते हैं जिनको 5 5 साल, 10 10 साल हो चुके हैं अपने 10th प्लस टू किए हुए, लेकिन तब उनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज उनको जरूरत आ रही है, तो अब उन्होंने करेक्शन करवाना है, लेकिन जो भी आपका बोर्ड है वो मना कर देता है। लेट्स से अगर आप CBSE के रीजनल ऑफिस में जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि हमारा टाइम लिमिट खत्म हो गया, बट अगर आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुली बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, इसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवा करके लिख के। तो गजट नोटिफिकेशन क्या है? गजट नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो हर हफ्ते सैटरडे को पब्लिश होता है egazette.gov.in की वेबसाइट के ऊपर, वो एक नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। उसकी अगर रिक्वायरमेंट्स का पूरी कंप्लीट करते हो तो उसमें आपका नोटिफिकेशन निकल जाता है। उस नोटिफिकेशन के मदद से आप CBSE बोर्ड या किसी और बोर्ड में जाकर के उनको देख करके अपना मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे CBSE वाले तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड भी होंगे जो आपको मना करेंगे कि हम गैजेट से भी नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप कोर्ट का ऑर्डर भी लेकर गई तभी हम आपको नया मार्कशीट इशू करके दे सकते हैं। अब इन दो केसेस में क्या है, पहला चीज तो ये कि जब गजट नोटिफिकेशन आपका बन जाएगा तो गजट नोटिफिकेशन सफिशियंट है आपकी किसी भी तरह की वेरिफिकेशन को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए जाना है, आपके मार्कशीट में प्रॉब्लम है, मार्कशीट आप सही नहीं करवा पाए, लेकिन आपने गजट नोटिफिकेशन उसका निकलवा लिया, तो साथ में गजट नोटिफिकेशन लेकर के लिए आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। सेम यही है, जहां कहीं पे भी आपकी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, आप सिंपली साथ में गजट नोटिफिकेशन लगवाइए, आपका काम हो जाएगा। गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है, देखिए चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन बनता है बनता दिल्ली से ही है। अब यहाँ पे देखिए, इसका प्रोसेस ही है, आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हो फाइल जमा कराने के लिए, या फिर वाया कोरियर भी भेज सकते हो। प्रोसेस को समझने से पहले आप एक चीज ये समझना जरूरी है कि हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। सबसे पहली चीज देखिए, क्योंकि आपकी मार्कशीट में करेक्शन है, यहाँ पे दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जहां पे आपके, मान लो आपके फादर के नेम में करेक्शन है, तो दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपका फादर नेम सही लिखा हो, और वो डॉक्यूमेंट्स आप ही के होने चाहिए, ना कि आपके फादर के। अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड में आपका फादर नेम सही, तो दो डॉक्यूमेंट्स इनफ है। अब मान लो अगर आपका मदर के नेम में प्रॉब्लम है, तो आपको दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपके मदर का नेम सही लिखा हुआ है। अब मान लो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका खुद का नाम सही है लेकिन आपके सिर्फ 10th की मार्कशीट में गलत है, तो कोई दो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपका नाम सही हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, कि नेम चेंज के लिए तो आप बोलते हो कि पुराने नाम वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए वो एक अलग मैटर है नेम चेंज का, यहाँ पे हम करेक्शन का मैटर कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट फीस भी 1100 की जगह पे 1400 रुपए की लगेगी। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा जिसको आप नोटरी से अटेस्ट करवाओगे, 50 रुपए या 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर पे निकलवा करके। उसके बाद में सिंपली आपने अपने ही स्टेट के जो न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टीजमेंट देना है, पब्लिक को नोटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम गलत लिखा था, बट एक्चुअल नेम इज दिस, ठीक है, जिसमें आपका नेम, आपका फादर का नेम और एड्रेस भी आएगा। न्यूज़पेपर की ऐड आ गई, एफिडेविट बन के दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में गजट की फाइल का होता है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ दो विटनेसेस, एक CD बनती है और CD का सर्टिफिकेट बनता है। ये सब चीजें जब आप सारी कंप्लीट कर लेते हो, कहाँ से बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो 1400 रुपए की इस केस में आपकी गवर्नमेंट की फीस लगेगी। गवर्नमेंट फीस लगेगी यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करोगे, पे करने के लिए भरतकोश.gov.in की वेबसाइट से पे कर सकते हो।
जब आपने फीस पे कर दी, न्यूज़पेपर आपके पास आ गया, एफिडेविट आपके पास है, गजट की फाइल आपने बना ली, साइन कर ली, दो पासपोर्ट साइज अपने फोटोज अपनी लगा दी, ये सारी चीज करने के बाद आपकी फाइल अब यहाँ पे हो गई कंप्लीट। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप इस फाइल को लेकर के दिल्ली गजट ऑफिस में सिविल लाइन्स के पास जाकर के इसको इन पर्सन जमा करवा दीजिए। जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते में आपके गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आएगा ऑनलाइन ही egazette.gov.in के पास। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप कहीं दूसरे मतलब दूर के स्टेट से हो, लेट्स से केरला से हो, या फिर आप बिहार से हो, या फिर आप एमपी से हो, इस केस में आप सेम फाइल को जो आपने रेडी करी इसको स्पीड पोस्ट से भी गजट ऑफिस में भेज सकते हो। फर्क क्या आएगा, फर्स्ट प्रोसेस में जहां पे आपका तकरीबन 1 महीना का समय लग रहा है, इसमें तकरीबन आप 2 महीने का समय मान करके चलिए, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल्स उनके पास जाती हैं, बट काम ऐसे भी हो जाता है। एंड इसका एक नेगेटिव पार्ट ये है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन को कि आपकी एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई कमी होती है तो आपके घर पे ही लेटर आती है, और लेटर को आने में भी 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो इस तरीके से जब आप जमा करवा दो, गजट नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, गजट की फाइल हम कहाँ से बनवाएं? अब जहां से भी हो आप अपने लोकल एरिया में किसी भी लॉयर से बात कर सकते हो, अगर उन्होंने पहले गजट का काम किया हो तो ही करवाना, क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं किया है वो ये काम करवा भी नहीं पाते, और 90% केसेस में बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैसे काम करता है, कैसे ये चीजें बनती हैं। तो अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, बट स्टिल अगर आपको कोई पर्पज डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जब सारा काम हो जाता है, और इसमें कुछ लोग ये है कि गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो जिसके साथ आपको स्कैम हो सकता है, यानी कि पहले आपसे वो पैसा लेते हैं, बाद में आपका नंबर ऑफ कर देते हैं, या फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ आधार कार्ड भेजो, हम आपका काम करवा देंगे। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है, कम पैसे के लालच में आकर के स्कैम का शिकार नहीं होना। बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको पहले 4-5 हज़ार बोला जाता है, ऐसे करते करते 15-15 हज़ार रुपये तक वो ले लेते हैं, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं होता है, एट द एंड उनकी फाइल में ऑब्जेक्शन ही लगती है। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है, या तो ट्राई कीजिए अगर आपके लोकल में कोई कर रहा है तो वहां से करवाइए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ड्राफ्टिंग में आपको हमारी असिस्टेंट हेल्प की जरूरत होगी तो हम आपकी पूरी हेल्प एंड गाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के बाद स्टिल कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे बना रखी हैं, चाहे आपको अपना नाम चेंज करना है, या फिर आपको सरनेम लगाना है, हटाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने प्रॉपर गाइड्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। वैसे तो जो नेम चेंज का प्रोसेस भी होता है तकरीबन वो सेम चीज़ों से ही फॉलो होता है। मान लो आपको अपना नाम चेंज करना है या फिर सरनेम लगाना है, उसमें बस सिर्फ ये होता है कि गवर्नमेंट फीस उसमें कम लगती है, और एक फर्क ये आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। जैसे इसमें हमें 2 ऐसे ID प्रूफ चाहिए होते हैं जिसमें कि हमारी डिटेल्स सही लिखी हो, चाहे वो मदर फादर की है, और उसमें अगर नाम चेंज करना है तो हमें पुराने नाम के ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। भाई सिंपल है, क्योंकि अगर हमारे पास नए नाम के डॉक्यूमेंट्स होते तो भाई हम गजट ही क्यों करवाते। बट इस केस में जो इस वीडियो में हमने बात करी, ये एक अलग केस है जिसमें करेक्शन हम करवा रहे हैं कि हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स सही, हमारे मार्कशीट में गलत है। उम्मीद करो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।